जन सुनवाई जब मजदूर जान चुके थे कि सरकार तो उनकी मजदूरी पूरी देती है लेकिन जो अधिकारी और पंचायत के लोग मजदूरों को मजदूरी देते थे वे भ्रष्टाचार करते थे मजदूरों को समझ आ गया कि यह मामला केवल मजदूरी का ही नहीं है अब मजदूरों ने सरकारी रिकॉर्ड को देखने की मांग की लेकिन सरकारी अफसर रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार नहीं थे इसलिए संगठन ने तय किया वे क्षेत्र के गांव में सभी लोगों को सरकारी कार्यों के भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे इसके लिए संगठन ने कई जन सुनवाई की थी कोट किराना की जनसुनवाई पहली जनसुनवाई दो दिसंबर उन्नीस को आयोजित हुई इसका विषय था उन्नीस सौ में पाली जिले के रायपुर पंचायत समिति की कोट किराना और बगदी कल्याण ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्य इस जनसुनवाई में कई गांवों के लोगों ने भाग लिया और राजस्थान के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और समाज सेवी भी, भी इस सुनवाई में उपस्थित रहे लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस सुनवाई में भाग नहीं लिया इस जनसुनवाई में सैकड़ों लोगों के सामने उन सौ लोगों के नाम पढ़े गए जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में विभिन्न विकास योजनाओं में कार्य किया था और जिनको काम के बदले भुगतान किया गया था लेकिन अनेक लोगों ने इस बात को वहां आकर प्रमाणित किया कि न तो कभी उन्होंने इन योजनाओं में कार्य किया और न ही उनको कभी मजदूरी का भुगतान किया गया मस्टर रॉल में ऐसे लोगों के नाम भी जुड़े हुए थे जो कई साल पहले पर लोग सुधार गए यहाँ यह भी दिखाया गया कि बिजली फिटिंग के जिन बिलों का भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था वह भवन बना ही नहीं था ऐसी अनेक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की कई परतें इस पहली जनसुनवाई में खुली इसके बाद कई जनसुनवाई हुई और इनमें भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए सूचना के अधिकार की मांग शुरू में आंदोलन की मांग केवल न्यूनतम मजदूरी के सही भुगतान से जुड़ी थी लेकिन जन जनसुनवाई के बाद मजदूर विकास के कामों के सारे रिकॉर्ड को देखने की मांग कर रहे थे वे मांग कर रहे थे कि लोगों के जिंदगी से जुड़े कामों के सरकारी रिकॉर्ड की सूचना सभी लोगों को मिलनी चाहिए सरकारी अफसर रिकॉर्ड को छुपा कर रखते थे इन छुपे हुए रिकॉर्डों में भ्रष्टाचार के मामले भी छुप जाते थे इस बात को संगठन ने समझ लिया था मजदूरों का मानना था कि उनसे जुड़े कामों के रिकॉर्ड देखना उनका हक हाँ है अब उनको यह हक हाँ कानूनी रूप से चाहिए था आगे चलकर इसी मांग को सूचना के अधिकार की मांग के रूप में रखा गया सूचना के अधिकार के लिए संगठन ने बहुत प्रयास किए लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो सन उन्नीस में संगठन ने राजधानी जयपुर में एक बेमियादी धरना शुरू किया इस धरने में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया यह धरना 26 मई उन्नीस से 14 जुलाई उन्नीस तक पूरे तिरपन दिन तक चला इस धरने का अंत बड़े ही नाटकीय ढंग से 14 जुलाई उन्नीस को हुआ सरकार ने बताया कि उसने एक साल पहले ही आंदोलन की मांगों के अनुसार नियम बना दिया था इस नियम के अनुसार राजस्थान के आम आदमियों को पंचायतों से बिल वाउचर्स मस्टर रोल और अन्य विकास संबंधी दस्तावेजों को देखने और उनकी फोटोकॉपी लेने का अधिकार प्रदान किया गया था राजस्थान के साथ ही सूचना के अधिकार की मांग दूसरे राज्यों में चल रही थी देश के कई राज्यों में सूचना के अधिकार को लागू किया गया इसकी सूची इस प्रकार है पूरे प्रदेश में 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ इस प्रकार राजस्थान में चले सूचना के अधिकार आंदोलन ने एक लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की शांति के लिए आंदोलन ऊपर दिए गए सामाजिक आंदोलनों की तरह ही पूरी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए इन आंदोलनों ने युद्धों को रुकवाने में और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की आमतौर पर शांति आंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने युद्धों के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाने तथा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्ध को रुकवाना है शांति आंदोलन के तहत लोग तरह तरह के संगठन बनाकर शांति की वकालत करते हैं शांति शिविर लगाना चुनाव में युद्ध का विरोध करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना तथा विभिन्न सरकारों की सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना शांति आंदोलन के मुख्य कार्य हैं। परमाणु हथियारों के प्रसार विरोधी आंदोलन जापान में 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए दो परमाणु से हुए भयानक नुकसान को झेल रहा था इसलिए जापान में परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफी सक्रियता से फैला उन्नीस में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए परमाणु हथियारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास था